ओके क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस चैप्टर में हम लोग सीरीज़ के बारे में जानेंगे कि सीरीज़ आखिर ऐड होके कैसे बनती हैं, सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, उनकी कोई टर्म्स निकालनी सीखनी हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे डिस्कस। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है इनफाइनाइट सीरीज़ एंड फाइनाइट सीरीज़। दो टाइप की सीरीज़ हो सकती हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज़ वो होती हैं जो हम क्या कहते हैं, लिखते हुए वो सीरीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। और इनफाइनाइट सीरीज़ वो होती हैं जिनके आगे डॉट 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 करके हम वो इनफाइनाइट तक वो ऑपरेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो दो टाइप की सीरीज़ होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब सीरीज़ जैसे अगर मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करूँ, 1+2+3+ up to 9, ठीक है, ये एक फाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एक एंड पॉइंट पता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करूँ 1+2+3+, ठीक है, या तो डॉट 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 करके छोड़ दें या डॉट 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 के एंड में इनफाइनाइट लगा दें, ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि ये ऐड करता जाएगा इन्फिनिटी तक। एंड टर्म हमें डिफाइंड नहीं है कि आखिर इस सीरीज़ को ऐड करना, हमें स्टॉप कहाँ करना है। और पहली वाली सीरीज़ में एंड टर्म डिफाइंड है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट सीरीज़, क्योंकि इसका आंसर कुछ ना कुछ तो फाइनाइट टर्म्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज़ को बोला जाता है फाइनाइट, और इस टाइप की सीरीज़ को बोला जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक इसमें आने वाला है, हमें पहले उन सीरीज़ के बारे में बात करनी है चैप्टर में, जिन सीरीज़ में हम लोग इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं टेंथ से, जिसमें हम लॉजिक बना सकें, ठीक है ना। तो इलेवंथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के, तो पहले हम प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP जिसे बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अभी हम टेंथ से आए हैं तो टेंथ से ये टॉपिक हम लोगों के लिए थोड़ा फ्रेश रहता है। तो देखो, AP में हम लोग क्या जानते हैं, एक सीरीज़ होती है, सीरीज स्टार्ट होती है, और जो नेक्स्ट टर्म होती है उन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ऐसे सीरीज लिखिए A1, A2, A3 up to AN, ये n टर्म्स की एक सीरीज़ है, इसमें क्या होगा, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वही सेम थर्ड और सेकंड के बीच में होगा, वही सेम an और an-1 के बीच में भी होगा। मतलब a2-a1=a3-a2=a4-a3=and so on, ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशन हमेशा होल्ड करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग एक चीज़ सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं d, ठीक है ना। d हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सीरीज़ को हम कुछ इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म पता हो और d पता हो तो हम सीरीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1, a1+d, a1+2d, a1+3d, और ऐसे चलते 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 लास्ट अगर nth टर्म है तो उसके लिए क्या लिखूंगा, a1+n-1 times of d। क्यों? क्योंकि देखो, ये अगर मेरी फर्स्ट टर्म थी, ये मेरी सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, और ये anth है। देखो इनमें रिलेशन क्या होता है, सेकंड टर्म में d किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से, थर्ड टर्म में d किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से, फोर्थ टर्म में d किससे मल्टीप्लाई होता है, 3 से। तो nth टर्म में d किससे मल्टीप्लाई होगा, n-1 बाय सिमेट्री, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि मेरा an, अगर मुझे वो nth टर्म निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, a1+n-1 times of d, ठीक है। लेकिन हम जनरली a1 नहीं लिखते हैं, उसको a ही लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म को a ही बोला जाता है, ठीक है ना। a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकालते हैं, ए nth टर्म, ठीक है। अब हम किसी भी AP सीरीज की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ये सारा डेटा अवेलेबल है। ओके क्लास, अब हम AP पे दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, शो दैट दिस सीक्वेंस 9, 12, 15, 18... इज एन AP। मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस चीज़ को पहले तो हमें शो करना है। सेकंड स्टेप पे कहता है फाइंड इट्स 16th टर्म एंड द जनरल टर्म, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमने इसके जैसे थोड़े टेंथ में भी देखे हैं क्वेश्चंस। चलो इसे अटेम्प्ट करते हैं। पहले पार्ट में वो बोलता है कि हमें ये शो करना है कि AP सीक्वेंस है या नहीं है। AP सीक्वेंस कैसे पता चलता है, अगर उसमें एक कॉमन डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। तो हम दो तीन टर्म्स का निकाल के देख लेते हैं।
जैसे 12 माइनस 9 होता है 3, ठीक है, अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ तो। सिमिलरली अगर मैं 15 माइनस 12 करता हूँ तो भी कितना आता है 3, इन दोनों टर्म्स का भी डिफरेंस है 3। एक फाइनल और चेक कर लेते हैं, 18 माइनस 15 भी कितना होता है 3, ठीक है ना। तो हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया, ठीक है, और अगर हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आया है तो हैंज इट इज़ एन एपी, ठीक है ना। एपी सीक्वेंस तो ये हो गया। अब वो कह रहा है अगर ये एपी सीक्वेंस है तो इसकी 16th टर्म निकालनी है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। अब मेरे को 16th टर्म निकालनी है, मतलब ए 16th निकालना है, मतलब ए 16th इज इक्वल्स टू ए प्लस 16 माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। अब ए की वैल्यू कितनी डालें, 9 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी कितना है 3, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इजीली ए 16 की वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम चलें, अब वो कहता है जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। अब अगर जनरल टर्म मुझे इसकी निकालनी है तो जनरल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को एग्जैक्टली लिखेंगे सेम वर्ड्स में, बस अब एन को कुछ पुट नहीं करेंगे, जनरल टर्म का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सेम ए एन को लेते हैं, ए एन बराबर ए कितना था 9 प्लस एन माइनस वन टाइम्स इंटू 3, ठीक है। तो जिसको क्या लिखा जा सकता है, 9 प्लस 3n माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3n प्लस 6, ये मेरी वैल्यू हो गई ए एन की, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन की ए एन एथ टर्म है 3n प्लस 6, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन अब थोड़ा टिपिकल हो जाता है यहाँ से। वो कहता है ए बी सी डी ई आर इन ए पी, ये पांच टर्म हमारे पास एपी में अवेलेबल हैं। कह रहा है हमें ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई की वैल्यू निकालनी है। तो ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई को लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पेयरिंग कर लेते हैं, देखो ए और ई को साथ लिख लेते हैं, ए प्लस ई ब्रैकेट में, इन दोनों में से मैं माइनस फोर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो लिख लेते हैं माइनस फोर बी प्लस डी बराबर प्लस सिक्स सी, ठीक है। चलो अब मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वन इसको नाम दे देते हैं। अब मेरे को इतना पता है कि ये पांचों टर्म एपी में है, अगर ये पांचों की टर्म एपी में है तो इनमें से मैं कोई भी पेयर लूंगा तो वो भी एपी में होगा। तो अगर मैं बी सी डी का पेयर ले लूँ, ठीक है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बी कॉमा सी कॉमा डी आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है, बी कॉमा सी कॉमा डी भी एपी में होंगे ही होंगे। और अगर ये एपी में है तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, मतलब सी माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा डी माइनस सी के, क्योंकि दिस टर्म माइनस दिस मस्ट इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस। अब अगर यहाँ से मैं सी को इस साइड ले आऊँ तो सी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी हो जाएगा, मतलब टू सी बराबर होता है बी प्लस डी के, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नंबर इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बी सी डी को इन ए पी मान सकता हूँ तो मैं एक टर्म छोड़ के दूसरी टर्म्स को भी ए पी में मान सकता हूँ, है ना, क्योंकि ए पी का मतलब क्या होता है, बस सीक्वेंस ए पी में कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, वो अल्टरनेटिंग टर्म्स को भी सेलेक्ट करेंगे तो भी वो ए पी में ही रहेगा। तो यहाँ से क्या बोला जा सकता है, ए कॉमा सी कॉमा ई आर ऑल्सो इन ए पी। अब अगर ये तीनों की तीनों भी ए पी में हैं तो यहाँ से भी सेम रिलेशन, C माइनस ए इज इक्वल्स टू ई माइनस सी, मतलब 2C इज इक्वल्स टू ए प्लस ई, ठीक है। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक काम करते हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जैसे ही फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो ए प्लस ई की जगह कौन आ जाएगा, 2C, ठीक है, माइनस फोर टाइम्स, बी प्लस डी की जगह कौन आ जाएगा, 2C, और बाहर प्लस सिक्स सी तो था ही, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2C माइनस फोर टू ज़ा 8C प्लस सिक्स सी, ठीक है ना, दो और छः आठ, आठ माइनस आठ जीरो, ठीक है। मतलब इस पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, आंसर है इसका जीरो, ठीक है। तो देख सकते हैं हम, ईजी क्वेश्चन है, एपी में ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ईजी कॉन्सेप्ट है, जब तक हम सिर्फ ए एन और ए कॉमन डिफरेंसों में हम बातें कर रहे होंगे, ओके।